हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मनप्रीत कौर। फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ड्रीम मेकर्स में। दोस्तों, कोठियों की तो बाप रे बाप, इतनी ज्यादा डिमांड है ना मार्केट में। कनाल की चाहिए 400 गज, 500 गज, ये वो, इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है। और मोहाली में खास तौर पे कोठियों की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कम मिलती है। और यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कनाल का घर। जी हाँ, एक कनाल की कोठी जो के है पार्क फेसिंग। बहुत लग्जरी कोठी है, पार्क फेसिंग, और यहाँ पे है सेक्टर 77। जी हाँ, सेक्टर 77 मोहाली, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बिल्कुल उसके साथ ही ये घर बन रहा है। और यहाँ से जो सुहाना हॉस्पिटल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आसपास सारी मार्केट आपको मिल जाएगी। हीरो होम्स का प्रोजेक्ट नियर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे है। एक डेवलप्ड सेक्टर है सारा। और पार्क अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरफ सामने पार्क है। मैं कोठी पे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ, सामने पार्क है। कोठियाँ बनी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पे। ये वाली जो एक कनाल की कोठी बन रही है, ये ट्रिपल स्टोरी है। जी हाँ, ट्रिपल स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात है, 8 रूम ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसमें जो आपको बने हुए मिलेंगे, 2 रूम की एक्स्ट्रा प्रोविज़न है। अगर आप बनाना चाहते हैं ऊपर के फ्लोर पे, आप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जल्दी से मैं एक बार आपको इसका जो नीचे का फ्लोर है वो रेडी हो रहा है, मैं फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले घर देखते हैं, बाकी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। आइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि एक कनाल का घर है। आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, क्या खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और टाइल्स और वुडन का काम हम फ्रंट पे करके दे रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और 50 फीट का फ्रंट है। 50 फीट का फ्रंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं आएगा। आप देख सकते हैं बर्म, एक्चुअल में आपकी यहाँ पे भी गाड़ियाँ 2 लग जाएंगी। अंदर देखिए, अंदर काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे मैंने बताया कि अभी ग्राउंड पे कुछ काम चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर का फ्लोर रेडी है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड पे काफी ज्यादा स्पेस आपको मिल रहा है। पार्किंग स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा, आपकी बड़ी गाड़ी इजीली लग जाएगी। उसके बाद ये देखिए, आपका प्राइवेट एंड प्राइवेट गार्डन यहाँ पे आपको मिल रहा है। घर के अंदर ही गार्डन मिल रहा है आपको। और जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ग्राउंड पे थोड़ा सा काम पेंडिंग है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर देखते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर रेडी हो रहा है अभी। यहाँ पे फर्स्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, सेम एज इट इज ही रहेगा। 3 रूम नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, और टॉप फ्लोर पे 2 रूम हम रेडी कर चुके हैं। तो ये सेम एज इट इज मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। आइए दोस्तों, जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया है कि थोड़ा सा काम चल रहा है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर देखते हैं। और जैसे कि आपने नीचे देखा ही है कितना वाइड फ्रंट है, आपको पार्किंग स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। मैश डोर के साथ आपकी एंट्री रहेगी, मेन डोर रहेगा आपका। और स्पेशियस देखिए, घर कितना ज्यादा स्पेशियस है। एक कनाल का घर है, स्पेशियस तो होगा ही। अपने अकॉर्डिंग भी आप डिजाइन कर सकते हैं। हम आपको जो है फॉल सीलिंग पूरे घर में वुडन वर्क कंप्लीट करके दे रहे हैं, बेड लगा के दे रहे हैं साथ में। और सैनिटरी सारी कंप्लीट रहेगी आपकी, वार्डरोब्स, ये सारी चीजें आपको साथ में मिल रही हैं घर में। तो दोस्तों, लेआउट भी काफी अच्छा है। मुझे तो स्पेस ही बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा स्पेस, ओ माई गॉड। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग एरिया की। 14 बाय 18 का ये आपका ड्राइंग एरिया रहेगा। यहाँ पे देखिए, आपका आराम से कितना बड़ा सोफा लग जाएगा। आपके गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, आपकी जो किचन है वो सेपरेट है। आप काम करिए जैसे मर्जी, आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है, हम फ्लोर वाइज भी इसे ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, हम फ्लोर वाइज भी सेल कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। अदरवाइज पूरी कोठी लोगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा यार, जैसे मर्जी रहो अपने घर में। इसके साथ ही हमने बालकनी अटैच की है। ये देखिए, बालकनी आ जाएगी। हमने इसमें वुडन टाइल्स यूज की हैं बालकनी में। ग्लास का जो है, देखिए हम ग्लास लगा के दे रहे हैं बालकनी में यहाँ पे।
और वाइड है, काफी ज्यादा वाइड बालकनी है। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे देखिए हमने टाइल्स यूज किया, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वुडन और टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, आपका पेंट वर्क बहुत कम रह जाएगा, आपको ये नहीं है कि पेंट करवाना है बार बार, वो चीज की आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो बालकनी काफी स्पेशियस है यहाँ पे ड्राइंग एरिया के साथ। और दूसरी चीज है नेचुरल लाइट आपके घर में प्रॉपर रहेगी, क्योंकि हमने जैसे ग्लास दिया है यहाँ पे भी हम ग्लास दे रहे हैं विंडो, तो नेचुरल लाइट भी आपके घर में प्रॉपर रहेगी, सनलाइट। अभी हालांकि यहाँ पे लाइट की प्रोविजन नहीं हुई है, फिर भी मैं नेचुरल लाइट में वीडियो बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग है, अंधेरा आपको कहीं पे ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो ये जो देखिए आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया रहेगा 20 बाय 18 का, जी हाँ इतना स्पेशियस, सॉरी 20 बाय 26 का है ये स्पेस जो रहेगा। क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है यहाँ पे, नंबर 1 क्वालिटी हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, सारी चीजें ब्रांडेड रहेंगी। किचन देखिए, किचन कितना ज्यादा स्पेशियस किचन हम दे रहे हैं यहाँ पे, 12 बाय 14 का किचन है। किचन देखो यार कितना स्पेशियस है, और टाइल्स लगा के दे रहे हैं, सारी चीजें आपको लगा के दे रहे हैं हम यहाँ पे, सारे ड्रॉर्स एज इट इज रहेंगे, ये आपका किचन रहेगा। सैनिटरी आपकी कंप्लीट रहेगी, सेरा की फिटिंग है सारी, फॉल सीलिंग विद लाइट्स आपको दे रहे हैं। और मोहाली में, चंडीगढ़ में कोठी कौन नहीं चाहता, घर अपना मिल जाए, छत भी अपनी, जमीन भी अपनी, तो मजा आ जाए। अब बात करते हैं फर्स्ट बेडरूम की, एक फ्लोर पे 3 बेडरूम रहेंगे, 14 बाय 18 का बेडरूम साइज है जो आप देख रहे हो, ये एज इट इज आपको सारा कुछ इसमें इंक्लूड मिलेगा। इसमें भी आप बेडरूम का साइज देख सकते हैं, 14 बाय 18 का बेडरूम साइज है। स्पेस देखो, बेड लगने के बाद एक्स्ट्रा स्पेस कितना आपको मिल रहा है प्रॉपर। और इसके साथ भी उस तरफ अगर मैं बात करूं, आपकी बालकनी अटैच रहेगी, इसके साथ आपका जो है ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा और अटैच वॉशरूम। यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, स्पेस देखो, इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्पेस कितना ज्यादा है, आप यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं, वार्डरोब्स पूरी बढ़िया लगा सकते हैं यहाँ पे, बना सकते हैं अपने तरीके से। और यहाँ पे ये भी आपका स्पेस एक्स्ट्रा है, इसके साथ अटैच वॉशरूम रहेगा 8 बाय 9 का, जिसमें हम रूफ तक टाइल्स लगा के दे रहे हैं, फुली हाइट टाइल्स रहेंगी, सैनिटरी एज इट इज आपको वॉशरूम मिल रहा है यहाँ पे। वॉशरूम साइज भी काफी अच्छे हैं, तो ये बहुत स्पेशियस है घर, स्पेस अच्छा मिल जाए तो अपने अकॉर्डिंग कैसे मर्जी काम करवा सकते हैं। तो ये रूम हो गया, इसके साथ अटैच वॉशरूम। एक हम अलग से आपको स्टोर रूम दे रहे हैं, या पूजा रूम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये भी काफी स्पेशियस है, 8 बाय 10 का स्टोर रूम रहेगा, आप पूजा रूम यूज कर सकते हैं, वो भी बढ़िया बन जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड बेडरूम, जैसे कि मैंने बताया आपको 14 बाय 18 के बेडरूम साइज है, मैंने तो बेडरूम साइज ही बड़े वधिया लग रहे हैं, और बेड भी थानू बना के दे रहे हैं, अद्दा ही तुसी देख सकते हो, काफी वधिया लग रहा है सारा कुछ, स्पेशियस है काफी वधिया। यहाँ पे बेडरूम में आपको सेम फॉल सीलिंग लाइट्स और अटैच वॉशरूम आपका साथ में रहेगा, हर एक रूम के साथ आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे आपकी वार्डरोब्स आ जाएंगी और अटैच वॉशरूम रहेगा। जेड़े ए वाले सेक्टर्स हैगे हैं मोहाली दे, जेड़े कोर्ट दे नाल वाले नवे सेक्टर्स हैगे हैं, इत्थे तां प्रॉपर्टीज दी डिमांड डे बाय डे वधदी जा रही है, और रेट भी वधदे जा रहे हैं, ते ये सही टाइम है कि तुसी इस टाइम ते प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, क्योंकि इत्थे प्लॉट दे ही रेट तुसी खुद सर्च करदे होणे, प्लॉट दे रेट बहुत वध गए हैं, इहदे नाल ही तुहाडी अटैच बैलकनी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बैक साइड पे मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ दिखाना चाहती हूँ, वो सामने सुहाना हॉस्पिटल है, ठीक है, ये वाली जो रोड है ये कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली, जो ये वाला ब्लॉक है सारा इसके बैक साइड पे,
तो ये सारी कनेक्टिविटी आपकी मोहाली चंडीगढ़ के लिए, सामने गुरुद्वारा साहिब है, सारी चीज़ें आपको नियर मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अब यहीं से चलते हैं अंदर की तरफ, वो रूम उस साइड रह गया, ये हमने अलग से आपको स्पेस दिया है यहाँ पे आने के लिए। अगर आप ऊपर का फ्लोर, क्योंकि स्टेयर केसेस बाहर से हैं, ऊपर का फ्लोर रेंट आउट भी कर दें, जैसे टॉप फ्लोर है, बहुत अच्छा रेंट मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट में यहाँ पे जो एडवोकेट है वो भी रहने के लिए घर देखते हैं, और क्वाक सिटी भी नजदीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो आपकी रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों ये थर्ड रूम है, इसमें सेम वही 14 बाय 18 का साइज है, बेड लगा हुआ है, फॉल सीलिंग लाइट्स ये आपको मिलेंगी यहाँ पे, वार्डरोब्स और अटैच वॉशरूम आ जाएगा साथ में। देखिए टाइल्स देखो, यहाँ पे हमने तीनों वॉशरूम में आपको टाइल्स चेंज करके दिए हैं कलर कॉम्बिनेशन। मेरा वीडियो पहले बनाने का मकसद यही है कि जो लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि फिर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। एक मुझे किसी ने कहा था कि आप प्राइस बहुत ज्यादा हाई बोलते हो, भाई क्यों, मैंने अपने पल्ले से थोड़ी ना बोलना है। तो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, मैं क्या करूं, प्रॉपर्टीज के रेट ही बहुत बढ़ गए, आप खुद नेट पे सर्च कर सकते हो। तो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, जो होता है, मैं वही प्राइस बोलती हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि मोहाली की प्रॉपर्टीज है, मोहाली चंडीगढ़ में तो रेट है ही ज्यादा, तो जल्दी से आप यहाँ पे भी, क्योंकि जैसे ये कोठी प्रॉपर और रेडी हो जाएगी तो इसका प्राइस शायद बढ़ जाए, और कोठियां रहती भी नहीं है, कोठियां 10-15 दिन में सेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसका जो अभी का प्राइस है कोठी का, एक कनाल की कोठी, पार्क फेसिंग, सेक्टर 77, मोहाली, इसका जो प्राइस है वो है 7 करोड़ 25 लाख। जी हाँ, 7 करोड़ 25 लाख इसका प्राइस है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ भाई, एग्जैक्टली इसका प्राइस यही है, आप आके आसपास भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइस है, और जो लोग एक्चुअल में मोहाली चंडीगढ़ में घर चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे विजिट करना है, कुछ और जानना है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब शेयर कर दो, और भी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।